ये तस्वीर पूर्णिया जिला के बायसी थाना क्षेत्र अंतर्गत मछवा गांव की है, जहां की महादलित टोल में लगा दी आग। उमड़ी भीड़, इतना ही नहीं आग से जलने में एक चौकीदार का भी हो गया मौत। दर्जनों से अधिक घर जलकर हो गई राख। 10 से 15 महिलाएं भी हुई घायल। और इतना ही नहीं, गर्भवती को भी नहीं बख्शा गया और गर्भवती के साथ भी बदसुलूकी के साथ बात किया। गरीब परिवारों से आपको मिलाते हैं। आपने 11 बजे बीते रात आज कितने लोगों से आए थे? कम से कम 2500 लेकर के 3000 तक आदमी था, लेकिन रात में अंधेरा रात में पहचान करने के लिए किसी को नहीं सके। हाँ, अच्छा, ये घटना जो हुआ इसके पीछे क्या वजह है? आखिर क्या वजह जो इतना आदमी आके यहाँ हमला किया? ये चार पांच गांव मिला करके एकत्रित हो करके अचानक गांव में हम लोग का घुस गया आग लगाते हुए। जब हम लोग भागने लगे तो रास्ते में इसको मार डांग किया और पैसा छिनदाई कर लिया और हाथ में जख्म कर दिया और तलवार लेकर के उसको मारने के लिए जा रहा था। हम तो आगे बढ़ गए, ये जमीन पर गिर गया। उसके बाद इसका बच्चा लेकर के खोजते खोजते गया उसके पास। प्रशासन कितना समय बाद आया था आपको फोन सूचना देने के बाद? प्रशासन करीब करीब आधा घंटा या पौने घंटे के बाद आया। प्रशासन आगे एक्शन लिया? हाँ, एक्शन लिया, बुलाया कि जो कौन कौन पेशेंट को मार लगा है और उसको इलाज के लिए भेजिए। तो जाकर के इलाज कराए और जिसमें मेरा पर्ची प्रेजेंट है। अच्छा, कितने आदमी घायल हुए हैं? घायल एक तो ये है, एक लीला देवी, एक टुनाई राय और अजय जगदीश। लगभग कितने आदमी? लक्ष्मी देवी अच्छे आदमी। और बीमार है ना, दशरथ को बीमार लगा, दशरथ को भी। मामले में 20 मई को बायसी थाने में 3 FIR दर्ज हुई और अब तक 2 नामजद लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जबकि बाकियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। सभी पीड़ित परिवारों को सूखा राशन और पॉलिथीन उपलब्ध कराते हुए मुआवजा देने की बात भी सामने आई है। जी सर, जैसा कि यहाँ जो घटना घटी थी परसों रात में, आप लोग यहाँ आए हुए हैं, क्या क्या जानकारी मिली थी आपको और यहाँ आने के बाद आपको क्या सत्यता लगा? उसी टाइम में जानकारी मिली थी कि आग लग गई है, तो हम लोग जो सीओ साहब को बोले तत्काल राहत देने के लिए, लेकिन जानकारी मिली बाद में कि इस तरह से जो कुछ दो समुदाय के बीच में आपस में इस तरह का मामला हुआ है, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उसके 3 FIR भी हुआ है, पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, प्रशासन को भी जितना भी रिलीफ देना है या जो भी योजना चलाना है उसको अपना चला रही है। क्या क्या मुआवजा के तौर पर अभी मिलेगा लोग को? मुआवजा के तौर पर अभी राशन का हो गया ना, हाँ राशन मिलेगा इन लोगों का। कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है, पन्नी बांटा ही गया है। उसके बाद नकद अनुदान जो है तो आपको 3000 रुपया साहब की तरफ से दिया जा रहा है, 6800 रुपया आपको खाता में चला जाए। लेकिन मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने यह आरोप लगाया है कि 200 से 300 मुस्लिम समुदाय के लोगों ने महादलितों के 23 घरों पर आग लगाई, मारपीट और महिलाओं से अभद्र व्यवहार भी किया। वहीं तेजस्वी यादव, भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर, जाप प्रमुख पप्पू यादव समेत विपक्षी नेताओं ने मामले को सांप्रदायिक रंग देने पर नाराजगी व्यक्त की है। वहीं पीड़ितों को अविलंब पक्का घर और मुआवजा देने की मांग की है। पूर्णिया प्रशासन ने भी मामले को सांप्रदायिक रंग देने वालों को चेतावनी दी है कि वो समुदाय विशेष को लेकर भ्रांति न फैलाएं। प्रशासन का दावा है कि आरोपी और पीड़ित दोनों पक्ष स्थानीय निवासी हैं और दोनों के बीच काफी पहले से जमीनी विवाद चलता आ रहा है। फिलहाल घटनास्थल पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी कैंप कर रही है। आज की खबर देखने के लिए आप हमें अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो अजय 4 हेडलाइंस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप पब्लिक ऐप पे हमें देख रहे हैं तो फॉलो कर लें।